हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिन्हा, आपका सब कुछ पढ़ो चैनल पर स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अभी। आज इसके आगे पढ़ेंगे, जो अब तक पढ़ चुके हैं उनसे थोड़ा आगे चलेंगे अब हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बातें सब आपने देखा है, चीज़ों को समझा है। पिछले दो वीडियो मैंने आपको जो दिया है वो तो बहुत ध्यान से पढ़ना, और लगभग सारी वीडियो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बट कभी कभी मैं अगर किसी वीडियो पर फोकस करूँ तो आप ज़रूर मेरी बातों पर ध्यान देंगे। आज हम इस सिलसिला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ आगे की चीजों को देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम सर में पूछने लगा है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में पूछे, किसी के फॉर्म में पूछे। कभी कभी इसका प्रयोग अलजेब्रा में भी होता है, स्लोप का प्रयोग होता है। तुम देखेंगे स्लोप एक्चुअली क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग, और कैसे इसको क्या करते हैं। कोई भी लाइन मान लो एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को कट कर रहा है। LM एक लाइन है या LN एक लाइन है जो X को भी कट कर रहा है। X को भी कट किया, A पर Y को कट कर दिया, B पर कट कर दिया। ये लाइन, ये जो LL लाइन है, ये जो LN लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, बच्चों मेरी बात ध्यान से समझेंगे, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, कभी कभी एग्जाम में इसको लिखता विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब दोनों सेम हुआ, एंटी क्लॉकवाइज वर्ड हो या विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहा जाए, तो आप समझना दोनों बातें सेम है। कोई भी लाइन जब दोनों एक्सिस को कट करता है, तो जब वो एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल का फॉर्मेशन करता है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर वो थीटा एंगल का फॉर्मेशन करता है, तो जो हम स्लोप लिखते हैं, स्लोप को डिनोट करते हैं एम से, और एम बराबर हो जाता है टैन थीटा। स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और एम का मतलब होता है टैन थीटा, जहां थीटा जो है मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बात भी से ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना है। तो स्लोप बराबर हो गया एम, और एम बराबर हो गया टैन थीटा। आपको पता है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनता है, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर एग्जामिनेशन में क्लॉकवाइज एंगल दिया हो, ऐसा दिया हो, अगर एग्जामिनेशन में ये क्लॉकवाइज एंगल दिया हो, ये क्लॉकवाइज को बोलते हैं, अगर क्लॉकवाइज एंगल दिया हो और कहे जी स्लोप फाइंड करो, तो सबसे पहले आपको एंटी क्लॉकवाइज में एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो मान लो अगर ये 60 डिग्री क्लॉकवाइज में दिया है, घड़ी की दिशा में दी गई है, तो पूरे 180 में 60 को माइनस कर देंगे, बचेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब थीटा हमारा 120 डिग्री आ गया, तो एम बराबर टैन थीटा, मतलब टैन 120 डिग्री, टैन 120 डिग्री को सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा कहलाएगा स्लोप ऑफ द लाइन, कंफर्म। तो स्लोप का मतलब हो गया टैन थीटा, और थीटा का मतलब हो गया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Find the slope of a line. Find the slope of a line which makes an angle
135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई लाइन एक्स साथ एंगल तो बनाया 135 डिग्री, बट वो बनाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया। तो जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया तो आपको समझ में बात आ गई कि आपको सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए। ये हमारा लाइन है जी, क्लॉकवाइज में इसने 135 डिग्री बना दिया, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा ये बचेगा। आपको पता है पूरा एंगल जो ये 180 डिग्री का होता है, और 180 में 135 चला गया तो यहाँ से 45 डिग्री बचा, मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री हो गई जी। स्लोप निकालेंगे, स्लोप बराबर एम बराबर टैन थीटा, ये आ गया जी टैन 45 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई जी। तो फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, आप इस चीज को देख लें यहां से, ठीक है। ये स्लोप का पहला मेथड है। कभी कभी एग्जामिनेशन में थोड़े से पेपर में थोड़ा घुमा देता है, सीधा पूछता है, बट वो थोड़ा सा कभी कभी ट्विस्ट कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस, अगर कोई लाइन दोनों एक्स के साथ, दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता हो, अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है तो उस केस में स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 1। कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन दिखाई पड़े आपको क्वेश्चन में कि कोई लाइन दोनों एक्स के साथ इक्वल एंगल, वाई के साथ भी जो एंगल बनाएगा वही एक्स के साथ, तो आप देखो यहाँ से जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, तो ये तो 90 होता है, 90 और ये दिया हुआ है, और दोनों एंगल अगर इक्वल यहाँ से दिया हुआ है, ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज, ये हो गया क्लॉक वाइज, तो ये हमारा हो गया एंटी क्लॉक वाइज। 45 डिग्री 45 डिग्री 135 डिग्री आ गया। तो टेन 45 का प्रयोग एंटी क्लॉक वाइज, टेन 45 का प्रयोग करेंगे तो एक आएगा, और टेन 135 का प्रयोग करेंगे तो माइनस एक आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइंड है, दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा हो, तो वैसे केस में उस लाइन का जो स्लोप होगा वो बन जाएगा आपका प्लस माइनस 1। सिंपल सी बात। तो कोई भी लाइन अगर दोनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा हो तो स्लोप इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस बात को एकदम विशेष ध्यान रखेंगे। सेकेंड मेथड स्लोप का, सपोज करो कोई लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन है, ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है। कहा जी इस लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी, वाई कोऑर्डिनेट पे वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करो और डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, तो ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी का। मतलब हो गया जी
y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये आप अगर किसी लाइन के दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो, किसी लाइन के दोनों एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, y में y को माइनस करो डिवाइडेड बाय x में x को माइनस करो, आपका स्लोप फाइंड हो जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स आर, हैविंग एंड पॉइंट्स आर 4, 6 एंड 9, 2। तो आपके पास दिया है x1 y1 का मान 4, 6 और x2 y2 की वैल्यू है 9, 2। आप स्लोप फाइंड कर लो तो y2 माइनस y1 2 माइनस 6 और 9 माइनस 4, तो -4/9 = 5, तो -4/5 इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। -4/5 इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन देखे हम लोग कि अगर कोई लाइन है उसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका स्लोप निकालना हो तो y में y को माइनस करो डिवाइडेड बाय x में x को माइनस करो। और आपने जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख भी लिया, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। स्लोप का तीसरा मेथड देखते हैं। स्लोप का तीसरा मेथड है किसी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। सपोज करो कोई लाइन ए बी है और इसका इक्वेशन दे दिया कुछ भी, ये दे दिया जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, कहा जी इस लाइन का स्लोप फाइंड कीजिए। अब जब इस लाइन का आप स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप का मतलब हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स कोफिशियंट डिवाइडेड बाय y कोफिशियंट। आप अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो x कोफिशियंट में y कोफिशियंट को डिवाइड कर देंगे और उसके आगे माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन रहा द स्लोप ऑफ ए लाइन हैविंग इक्वेशन टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा जी आप इसका स्लोप फाइंड करें, ठीक है जी। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। स्लोप का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है माइनस ऑफ एक्स कोफिशियंट, तो एक्स का कोफिशियंट टू है, डिवाइडेड बाय वाई कोफिशियंट, वाई का कोफिशियंट माइनस सिक्स है, ये कैंसिल हो गया तो आ गया 1/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया कि किसी लाइन का इक्वेशन दिया हो तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा स्लोप में तीन तरीका, एक तो एंगल फॉर्म कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में कोई एंगल फॉर्म करता है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा आपने देखा कि किसी लाइन का दोनों एंड पॉइंट दिया हो तो भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपने देखा कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन भी दिया हो तो भी आप स्लोप फॉर्म कर सकते हैं। चौथा तरीका, ये चौथा तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत इजी है, जो 11वीं के 12वीं के बच्चे होते हैं वो जल्दी समझ आते हैं बट आप भी समझ जाओगे। बहुत कॉमन चीज़ है कि कैसा भी कर्व दिया हो, कैसा भी कर्व दिया गया हो, कोई भी कर्व, एनी कर्व गिवेन,
उसका चौथा प्रॉपर्टी एनी कर्व गिवन, एनी कर्व गिवन, कोई भी वक्त इक्वेशन दिया हो, जैसे मान लो वाई बराबर दे दिया, कुछ भी दे दिया, ए एक्स स्क्वायर दे दिया, प्लस बी एक्स दे दिया, प्लस सी दे दिया, कहा जिसका स्लोप फाइंड कीजिए, तो थोड़ी डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। तो जो 11वीं 12वीं के बच्चे होंगे वो इस बार को तुरंत समझ जाएंगे। तो ये स्पेशली मैं 11वीं 12वीं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए भी ये सब कुछ है। तो अगर कैसा भी कर्व दिया रहे और कहे कि स्लोप फाइंड करो, उस पर जो टेंजेंट खींचोगे उसका स्लोप फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे, उस कर्व का सीधा डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और किसी पॉइंट पे मांगता हो तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को उस डिफरेंशिएशन में पुट कर देंगे, तो वो उसका स्लोप फाइंड हो जाएगा वहां से। तो चौथा तरीका हुआ कि कोई भी कर्व का इक्वेशन दिया रहे, कैसा भी कर्व हो, स्ट्रेट लाइन कर्व मतलब कोई भी पॉलीगन कर्व हो या कुछ भी कैसा भी इक्वेशन दिया हो और आप स्लोप फाइंड करना हो, तो सीधा आप उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, आपका इजिली वर्क हो जाएगा। तो इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज होता है। पांचवा तरीका स्लोप का, कुछ चीजें डायरेक्ट होती हैं जिनको सॉल्व नहीं करना है। स्लोप का जो पांचवा चीज है वो देखो, मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम लिया, मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है जी। एक्स के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, लेकिन ये लाइन एक्स के पैरेलल होना चाहिए। कोई भी लाइन अगर एक्स के पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर एक्स के पैरेलल है तो उनके बीच जीरो एंगल का फॉर्मेशन होगा। कोई भी लाइन अगर एक्स के पैरेलल है तो उनके बीच जीरो एंगल का फॉर्म, आप जानते हैं पैरेलल लाइंस के बीच जीरो एंगल का फॉर्मेशन होता है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप समझ लो उन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो जीरो डिग्री होगा। तो एंगल फॉर्म जब जीरो डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब है स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप का मतलब टैन थीटा, और थीटा का मान जीरो डिग्री है, तो टैन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी स्लोप का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैविंग स्लोप जीरो बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज जीरो डिग्री। आप वैसे भी जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच हमेशा जीरो डिग्री कोण का फॉर्मेशन होता है। तो एक्स के पैरेलल रहे तो स्लोप जीरो, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो। तो एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन हो तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। इसका नेक्स्ट केस, छठा केस देखते हैं अगर हम लोग। छठा केस अगर आप देखो, कि अगर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, मैंने एक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन लिया, तो कोई लाइन अगर एक्स के परपेंडिकुलर है तो मतलब वाई के पैरेलल है। आप मेरी बात को ध्यान से समझो, कोई लाइन अगर x पर परपेंडिकुलर है तो ये y के पैरेलल है, यानी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस मतलब 90 डिग्री एंगल के तहत 90 डिग्री, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। एग्जामिनेशन में कुछ भी लिख के आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो चाहता है कि बच्चा कंफ्यूज हो, वो बहुत सारे वर्ड को घुमा देगा, तो आपको उससे ज्यादा एक्सपर्ट होना है। तो अगर मान लो कभी कह देगा कि x के परपेंडिकुलर को लाइन है उसका स्लोप निकालो ना, एग्जाम लिख देगा कि नहीं y के पैरेलल को लाइन है उसका स्लोप क्या है। बात एक ही हुआ कि x के परपेंडिकुलर स्लोप निकालो तो वही उसका मतलब अर्थ हो गया y के पैरेलल वो लाइन हो गया। तो अगर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया तो आप जानते हैं m बराबर होता है tan थीटा,
और ये आपका हो गया जी tan 90 डिग्री हो गया, और tan 90 का मतलब कितना होता है, इन्फिनिटी, मीनिंगलेस, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो x के पैरेलल हो तो स्लोप जीरो, लेकिन x के परपेंडिकुलर हो और y के पैरेलल हो, मतलब एक ही बात हुआ, तो उनका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये स्लोप के कुछ फॉर्म थे, 6 फॉर्म थे स्लोप के, जो आपको समझना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में बहुत नए नए चीज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा आप इन सब चीज़ों को एकदम क्लियर रखो। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस। इसको पढ़ने के लिए, इसे जानने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा, बहुत इजी फॉर्मूला है जी, सबको पता होता है। आज के टाइम में तो वो एसएससी की तैयारी करे या रेलवे की तैयारी करे, किसी की तैयारी करे, वही फॉर्मूला उसको पता होता है। एक फॉर्मूला होता है जी, टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए जोर टैन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो यहाँ पर हमने प्लस का प्रयोग किया, तो यहाँ प्लस का प्रयोग है, नीचे माइनस का प्रयोग किया। तो उसी प्रकार अगर हम टैन ए माइनस बी कहें यहाँ से, तो अगर आप tan a माइनस बी निकालते हैं तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला है जो आपको सर्वविदित है, आपको पता भी है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है जी। तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला, ये कहीं ना कहीं अभी इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो इस फॉर्मूला को आप लर्न कर लेंगे, और वैसे भी आपको कंपटीशन ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो ज़्यादा मुझे समस्या नहीं है इन चीज़ों पर। तो हम ज़्यादा अपने टारगेट पे वापस आ जाते हैं। ये दो लाइन आपस में कट गए, इसने इस लाइन ने x के साथ एंटी क्लॉक वाइज में थीटा वन एंगल बना दिया। ये हमारा x एक्सिस है जी, और इस लाइन ने x एक्सिस साथ एंटी क्लॉक में थीटा टू का एंगल बना दिया। आपका टॉपिक है जी एंगल बिटवीन लाइंस, तो ये दोनों रेखाएं कटी, तो यही तो हमारा हुआ कि यहां कितना एंगल बनेगा, यही एंगल हमें फाइंड करना था, थीटा फाइंड करना है। जब ये लाइन x के साथ एंटी क्लॉक वाइज में थीटा वन है, तो इसका स्लोप निकालना आसान है, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा जी m1 बराबर हो जाएगा tan थीटा वन, क्योंकि tan थीटा बराबर m होता है, तो पहला लाइन तो m1 मान लियो। और ये लाइन भी जो है एंटी क्लॉक वाइज में थीटा टू का एंगल फॉर्मेशन क्या है, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा m2 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा टू हो जाएगा। ये इतनी बात तो डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो गया। ज्योमेट्री कहता है, ज्यामिति कहता है, ज्योमेट्री कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में दो इंटरनल एंगल का सम जस्ट उसके सामने एक्सटर्नल के बराबर होता है। ज्योमेट्री कहता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स बराबर एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज जस्ट इक्वल टू अपोजिट ऑफ एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, थीटा वन प्लस थीटा बराबर थीटा टू आ गया, हमें थीटा फाइंड करना था, तो थीटा बराबर हो गया थीटा टू माइनस थीटा वन, हमने यहां से थीटा फाइंड कर लिया। अगर हम टैन का प्रयोग करें तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा टैन ऑफ
थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि टैन थीटा बराबर, आपने टैन ए माइनस बी पढ़ा था, तो टैन ए माइनस टैन बी बटे वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी, यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तो टैन ए माइनस बी का मतलब टैन ए माइनस टैन बी बटे वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो टैन थीटा टू का मतलब एम टू और टैन थीटा वन का मतलब एम वन, तो वैल्यू को पुट कर सकते हैं हम लोग। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं यहां से, तो यहां से देखो इसके आगे लोग मॉड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एंगल एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, इसलिए मॉड का प्रयोग कर लेते हैं। तो टैन थीटा बराबर यहां से जो है ये बन गया जी एम टू माइनस एम वन बटे वन प्लस एम वन इंटू एम टू। तो अगर दो लाइन का स्लोप दिया गया, देखिए स्लोप दिया नहीं, सारे स्लोप दिए हुए, तो अगर दो लाइन का स्लोप दिया गया है और उसके बीच एंगल फाइंड करना हो, अगर दो लाइन का स्लोप दिया गया है और उसके बीच एंगल फाइंड करना हो, तो एंगल निकालने के लिए टैन थीटा बराबर एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। मतलब कि अगर दोनों लाइन्स का स्लोप दिया है तो आप आराम से उनके बीच एंगल को फाइंड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला केस, केस नंबर वन, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन के बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा होता है जीरो डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हो गया यहां से जीरो डिग्री। अगर यहां से पुट कर दे इसको, तो टैन जीरो डिग्री बराबर हो जाएगा एम टू माइनस एम वन का मॉड बटे वन प्लस एम वन इंटू एम टू का मॉड। टैन जीरो की वैल्यू जीरो, ये से मल्टीप्लाई होगा, एम टू माइनस एम वन का मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। और किसी का मॉड जीरो है मतलब उसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जीरो का मॉड ही जीरो हो सकता है। तो M2 माइनस M1 बराबर जीरो, तो M2 बराबर क्या आ गया, M1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया जी, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो आप देखो यहाँ साबित भी कर दिए कि दो रेखाएं अगर आपस में समांतर हो तो उनके स्लोप्स आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और स्लोप निकालने का आपको हर मेथड पता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर ले बच्चों तो ज़्यादा ध्यान रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ K such that, find the value of K such that the lines, find the value of K such that the lines, find the value of K such that the lines K minus 2 into X plus 5Y प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो एंड के एक्स प्लस एट वाई प्लस थ्री बराबर जीरो आर पैरेलल। ये दोनों रेखाएं जिनके इक्वेशंस दिए गए हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि
कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसी लाइन का इक्वेशन हो और इसका स्लोप फाइंड करना हो तो ये होता है माइनस ऑफ एक्स कोफिशियंट डिवाइडेड बाय वाई कोफिशियंट। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो किसी लाइन का इक्वेशन हो और इनका स्लोप फाइंड करना हो तो माइनस ऑफ एक्स कोफिशियंट डिवाइडेड बाय वाई कोफिशियंट। तो आप देखो यहाँ से अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालें, इस लाइन का स्लोप निकालें m1 निकालें तो माइनस ऑफ एक्स कोफिशियंट यानी k माइनस टू बाय फाइव ये हो जाएगा यहाँ से। और इस लाइन का स्लोप निकालें m2 बराबर तो ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स कोफिशियंट k और y कोफिशियंट 8। और दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है m1 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस ऑफ k माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय 8। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8k माइनस 16 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कुछ बचेगा देखो तो 5k। यहाँ करोगे 8k में 5k गया तो 3k बराबर 16 तो k का मान 16 बाय 3। तो आपने देखा कि दो लाइन का इक्वेशन दिया गया था बट दोनों लाइन आपस में पैरेलल था तो मैंने दोनों का पहले स्लोप फाइंड कर लिया। स्लोप फाइंड करने का मतलब माइनस ऑफ एक्स कोफिशिएंट बटे वाई यानी माइनस ऑफ एक्स बटे वाई मैंने स्लोप फाइंड किया, चूँकि लाइन पैरेलल था तो मैंने दोनों स्लोप को इक्वल कर दिया क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप आपस में बराबर होते हैं, मैंने स्लोप इक्वल कर दिया। जब मैंने स्लोप इक्वल किया तो यहाँ से मैंने के को फाइंड कर लिया। कन्फर्म बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया दूसरा पार्ट, देखिए इसका। केस टू, If lines are perpendicular to each other, अगर lines एक दूसरे के perpendicular हो तो आप जानते हैं theta का मान हो जाएगा 90 degree, तो tan theta बराबर हो जाएगा m2 minus m1 बटे 1 plus m1 m2 मॉड। 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। ये हो गया जी m2 माइनस m1 का मॉड बटे 1 प्लस m1 m2 का मॉड। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, तो m1 गुना m2 इज इक्वल टू आ गया माइनस 1। इसका मतलब यह हुआ कि दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस 1। आपको सपोज करो दो लाइन आपके पास दे देखा है कि बताओ लाइंस का नेचर क्या है, तो आप क्या करना, कुछ मत करना, सबसे पहले क्या करना, आप सीधा सा बात है लाइंस का स्लोप निकाल लेना और देख लेना, अगर स्लोप इक्वल आ गया तो समझ लेना लाइंस आपस में पैरेलल है, और दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई किया और वो माइनस वन दे दिया तो समझ आएंगे कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये दो सिचुएशन थे, लाइंस के बीच अगर एंगल निकाल सकते हो तो ये भी बता सकते हो कि दोनों लाइंस का नेचर क्या है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें?
कोलिनियरिटी, जिसे हम लोग संरेख बिंदु भी कहते हैं हिंदी में, संरेख बिंदु भी कहते हैं, संरेख बोलो इसको, संरेखता बोलो हिंदू में, कोलिनियरिटी। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ही होता है कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे। सारे पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में हो गए तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, और सारे पॉइंट्स अगर एक ही प्लेन में हो गए तो कोप्लेनर पॉइंट्स हो गए। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर होना चाहिए, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन, और कोलिनियर का मतलब हो गया कि एक ही लाइन पर होना चाहिए। तो कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाइज, दे ऑल लाई इन द सेम लाइन। अगर सारी बिंदुएं एक ही रेखा पर, यदि सारी बिंदुएं एक ही रेखा पर हो तो आप कह देंगे कि वो सारे बिंदु जो हैं कैसे हैं, संरेख बिंदु हैं। यानी ऑल द पॉइंट्स व्हेन लाई ऑन ए सिंगल लाइन, मतलब किसी लाइन पर लाई करता हो, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एक ही लाइन पर अगर पॉइंट्स लाई करेंगे तो वही हमारा कहलाएगा कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा जी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई इन द सेम लाइन। और अगर सेम प्लेन आ गया, अगर सेम प्लेन वर्ड आ गया कि सेम प्लेन पर हो, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन हमारा है, इस प्लेन पर यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, बहुत सारे बिंदु, ऐसे बिंदु बिंदु रखे हुए हैं, तो सारे बिंदु अगर एक ही बिंदु प्लेन पे हैं तो कोप्लेनर पॉइंट्स हो गए, ये एक ही प्लेन के सारे पॉइंट्स हो गए। तो सेम प्लेन का मतलब कोप्लेनर, उसको बोलते हैं कोप्लेनर। ठीक है, कंडीशंस ऑफ द कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो क्या क्या शर्त हो सकता है। एग्जाम में हमें टाइम भी बचाना है और हमारे आंसर गलत भी नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड को पढ़ना चाहिए। पहला जी, मान लो एक लाइन दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी कोऑर्डिनेट है x3 y3। ताकि आप कैसे बताओगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये तीनों पॉइंट इसी लाइन पर रहेगा, ये इससे बाहर नहीं जा सकता है। इसका मतलब इन तीन बिंदु से आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हो। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो क्या आप ट्राइंगल बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। इसका मतलब अगर तीन बिंदु कोलिनियर है, अगर थ्री पॉइंट्स है कोलिनियर, तो ट्राइंगल संभव है ही नहीं। जब ट्राइंगल संभव नहीं है तो उसका एरिया भी संभव नहीं है। इसका मतलब तीन पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो ट्राइंगल नहीं बन सकता है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो। तो आप खाली ये साबित कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो गया तो समझ लो पॉइंट्स आर, थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब पहला कंडीशन हो गया कि अगर ये तीनों बिंदु कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी जीरो, क्योंकि तीनों बिंदु अगर कोलिनियर है तो एक ही लाइन पर होगा, और जब वो एक ही लाइन पर होगा तो त्रिभुज नहीं बन सकता है, ट्राइंगल नहीं बन सकता है,
क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए हमें तीन लाइन की आवश्यकता पड़ती है और तीनों पॉइंट अलग अलग कॉर्नर पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर जीरो हो जाए तो मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड के इफ पॉइंट्स 2, 3, 6, 8, 5 आर कोलिनियर पॉइंट्स। हमें के फाइंड करना है। हम जानते हैं जब तीन पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल के मैंने आपको इतने तरीके सिखाए हैं जितना आपको ही पता नहीं होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 पहला दूसरा पेयर डिटर्मिनेंट, दूसरा तीसरा पेयर डिटर्मिनेंट, तीसरा और पहला पेयर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। पूरे सॉल्व कर देंगे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया जी 2k में 8 के गया -6k -18 +30 +24, ऐसा करो -18 +30 और +14 इक्वल टू जीरो कर दो। 30 और 14 44 44 में 18 गया 26 6, 8, 14 26 बराबर जीरो। तो -6k बराबर -26, तो k का मान 26/6 मतलब 13/2 से कटाएंगे 13 13/3 आ गया। तो यही हो गया जी कि अगर तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर हो तो आप समझ लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहां से, इससे भी आसान तरीका कि अगर तीन पॉइंट को आपको कोलिनियर साबित करना हो कैसे करें देखें, तो नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं। दूसरा मेथड है, एक लाइन दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, यानी बी ए और सी के साथ कोलिनियर है। बी ए के साथ और सी के साथ कोलिनियर है, इसका मतलब स्लोप ऑफ बी ए या स्लोप ऑफ ए बी जो लो बराबर ऑफ स्लोप ऑफ सी बी यानी कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में बराबर हो जाए, मतलब पैरेलल हो जाए। ठीक है, बी ए सी बी मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो दोनों लाइन अगर ये दोनों पेयर अगर आपस में पैरेलल हो जाए तो हम कह देंगे जी लाइंस आप सॉरी पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। और ये कोलिनियर का सबसे आसान मेथड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1 / x2 - x1, इसका स्लोप निकालेंगे तो y3 - y2 / x3 - x2, हो गया हमारा काम, हो गया। स्लोप बराबर स्लोप कर देंगे तो हम कह देंगे थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू कर देंगे इस लाइन का स्लोप, यानी बी जो है ए और सी के साथ कोलिनियर है,
यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो बी ए का मतलब बी से ए की ओर, सी बी का मतलब सी से बी की ओर। देखो मैंने क्या लिखा, स्लोप ऑफ बी ए, बी से ए की ओर, फिर मैं लिखा सी बी, सी से बी की ओर, बी से ए की ओर मतलब यही डायरेक्शन, सी से बी की ओर मतलब यही डायरेक्शन, और दो लाइंस का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो हम क्या कहते हैं, वो आपस में पैरेलल है, और जब पैरेलल होता है तो उसका स्लोप आपस में क्या हो जाता है जी, बराबर, जो कि हम थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा, फाइंड के इफ द पॉइंट्स, फाइंड के इफ द पॉइंट्स 4.6, 8.k and 9.7 आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो वही बात हो गया, इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप इक्वल कर दो, आपका आंसर आ गया। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो के माइनस 6 बटे 8 माइनस 4, और इसका स्लोप निकालेंगे तो 7 माइनस के बटे 9 घटा 8, 7 माइनस के बटे 9 माइनस 8। के माइनस 6 बाय 4 इक्वल टू 7 माइनस के बाय 1, k माइनस 6 बराबर 4 इंटू 7 माइनस के, और k माइनस 6 बराबर 28 घटा 4 के, 5 के बराबर 34, k का मान 34 बटे 5, ठीक है जी, आई बात समझ में। तो ये हो गया जी आपको दूसरा तरीका, हो गया कि आप स्लोप इक्वल खाली कर दो, इसका इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल कर दो, तो भी हम इसे साबित कर देंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियरिटी का तीसरा कंडीशन, इसका तीसरा कंडीशन एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। कहा जी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसने कहा जी ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहा है, यानी ज्योमेट्री के रूल को फॉलो करेगा, यानी ए बी में बी सी को जोड़ने से ए सी के बराबर होना चाहिए, ए बी में बी सी को जोड़ने से ए सी के बराबर आना चाहिए। अब ये बात उठा जी ए बी कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको कि दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी फाइंड करो, फिर इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से बी सी फाइंड करो, फिर इसका और इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये फाइंड करो। आप ए बी बी सी और ए सी तीनों फाइंड कर लो, ए बी में बी सी जोड़ने से अगर ए सी हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेगा, यानी वो तीनों बिंदु उसी लाइन पर है, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो आपके पास तीन तीन मेथड हैं, आपको जो अति उत्तम लगे आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इनसे आप बहुत चीज़ों को पकड़ सकते हैं, स्लोप और कोलिनियरिटी से बहुत चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि तीन वर्टेक्स देगा, कहेगा जी ये पैरेललोग्राम है तो चौथा वर्टेक्स क्या होगा। तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री का बहुत रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है। आने वाले वीडियो में वही सब चीज़ आप देखेंगे जहाँ ज्योमेट्री का कैसे प्रयोग करेंगे, तो फिर आपको बहुत फायदा मिलेगा। ट्राइंगल का फॉर्म करना हो कि तीन वर्टिसेस दिया रहेगा, कहेगा जी बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है, तो आप दो ही चीज़ करोगे, एक तो तीनों साइड को निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, मानो तीन साइड तीन वर्टेक्स दिए रहेंगे, कहेंगे कौन सा ट्राइंगल है, तो आप क्या करोगे तीनों वर्टेक्स दिए रहेंगे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल लोगे, तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला से बाहर कर लिए। जब तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे तो देख लोगे इक्वल आया तो इक्विलैटरल ट्राइंगल आया, दो को इक्वल आ गया तो आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, कोई इक्वल नहीं आया तो स्केलन ट्राइंगल हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अगर ऑप्शन में राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, दो ही आंसर होता है एग्जाम में, ध्यान रखना, या तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा या तो वो राइट एंगल ट्राइंगल 90% केस में होता है। जैसे ही आपको ऑप्शन में राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई पड़ जाए और त्रिभुज का तीनों वर्टिसेस दिखाई पड़ जाए, त्रिभुज का तीनों वर्टिसेस दिखाई पड़ जाए और ऑप्शन में आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई पड़ जाए, तो इन दोनों पॉइंट से इसका स्लोप निकाल लेना, इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का स्लोप निकाल लेना और इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का स्लोप निकाल लेना। तीन स्लोप आपको मिल गए, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप मिल गया। किसी भी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने से अगर माइनस वन आ गया, किसी भी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने से अगर उसने माइनस वन दे दिया, फिर से मेरी बात सुनो, तीनों कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, आप कोऑर्डिनेट से पहले तीनों का स्लोप निकाल लो, ठीक है। जब आप स्लोप निकाल लेंगे तो हर स्लोप को आपस से मल्टीप्लाई करो, पेयर वाइज मल्टीप्लाई करो। जिस दो स्लोप को मल्टीप्लाई करने से माइनस वन आ गया तो आप समझ जाएंगे कि स्लोप को मल्टीप्लाई करने से माइनस वन तभी आ सकता है जब वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो सपोज करो इसके स्लोप और इसके स्लोप को मल्टीप्लाई किए, माइनस वन आ गया, मतलब यहाँ बन गया 90 डिग्री, और जैसे ही ये 90 डिग्री बना तो किसी भी ट्राइंगल में एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया जी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन का प्रयोग करके भी दिखाऊंगा ये सब चीज़ों पर। तो आपके पास स्लोप को सॉल्व करने का तीन तरीका है, ठीक है बच्चों। तो आप इन सारे फॉर्मूलाओं को पहले ध्यान से देखो करो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। मैंने पहले भी कल कहा था वीडियो में कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस भी चाहिए आपको, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी चाहिए आपको। तो फिर आप जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चल पाएगा हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। मैं दोबारा बच्चों आपको कह रहा हूँ कि इस बार मैं सेकेंड इनिंग पढ़ा रहा हूँ, कुछ यूनिक ही पढ़ाऊँगा ये सोच लो तुम। तुम वैसे मेरे मानते हो कि मैं जब एडवांस में टच करता हूँ तो अंत तक पढ़ाता हूँ, तो बहुत चीज़ें सिखाता हूँ। तो इस बार मेरी सेकेंड इनिंग है, फर्स्ट इनिंग में कुछ पार्ट छूट गए थे, कुछ बच्चे परेशान थे, चलो जो बच्चों को मेरे से जो दिक्कत हुआ वो भी मैं मेकअप कर दूंगा इस चैनल पर, कोई कहीं कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बट चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको मैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ दूंगा, कंसेप्ट दूंगा, आपको उस चीज़ का टेंशन, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आओ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पिछली जो गलतियाँ हो गई है उनको याद मत करो, क्योंकि पेपर अभी आने वाला है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एज ख़त्म हो गया और मेरी उम्र ख़त्म हो गई। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हुई होगी तो आप उन चीज़ों को भूलो, उसके बदले मैं डबल आपको मेकअप कर दूंगा उन चीज़ों से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जरूर से ज़रूर करो, ठीक है, शेयर करो, और बाद बाकी आप चैनल के कॉन्टैक्ट में रहोगे। आपको सब कुछ पढ़ो .com जो है देखना है किसी भी समस्या के लिए, फिर से दोबारा मैं वो कह देता हूँ, सब कुछ पढ़ो .com आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों पर, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में हम इस चीज़ों को ढंग से करेंगे। तो यहाँ तक आप इन चीज़ों को पढ़ो, फिर हम लोग कल नए क्वेश्चंस पे आएंगे, कुछ यूनिक क्वेश्चंस देखेंगे और आगे के कंसेप्ट को हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।